साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी। 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी। 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी। 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी। 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी। 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी।
अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी, 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी, 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी, 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी, 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी, 34,000 महाना तनख्वाह लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम गोशवारे जमा करने के पाबंद। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के अकाउंट से जुर्माना भी काटा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, महकमा औकाफ की अरबों मालियत की आराजी के खिलाफ कानूनी इंतकाल का मामला। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम पाक वतन आराजी पर मियां नवाज शरीफ के बयानात कलम बंद करेगी। अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। नया टैरिफ A3 के नाम से मुतारिफ, महकमों के लिए टैक्स के अलावा फी यूनिट बिजली की कीमत 19.40 रुपए मुकर्रर। और साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 4 दिन बाकी,
34,000 ماہانہ تنخواہ لینے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازم گوشوارے جمع کرنے کے پابند، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے اکاؤنٹ سے جرمانہ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ، محکمہ اوقاف کی ارب و مالیت کی آراضی کے خلاف قانونی انتقال کا معاملہ، اینٹی کرپشن کی 3 رکنی ٹیم کل میاں نواز شریف سے ملاقات کرے گی، ٹیم پاک وطن آراضی پر میاں نواز شریف کے بیانات قلم بند کرے گی۔ ہسپتالوں اور فلاحی اداروں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، نیا ٹیرف A3 کے نام سے متعارف، محکموں کے لیے ٹیکس کے علاوہ فی یونٹ بجلی کی قیمت 19.40 روپے مقرر۔ اور سال 2018 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں 4 دن باقی، 34,000 ماہانہ تنخواہ لینے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازم گوشوارے جمع کرنے کے پابند، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے اکاؤنٹ سے جرمانہ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔